हम बच्चों की भावना नहीं समझते। वे क्या चाहते हैं, वे जब कहते हैं तब हम उसका अपोज तो कर देते हैं, तुम्हें ये ठीक नहीं। हम उनकी भावना समझें, और अगर उनकी भावना ठीक नहीं है तो हम उन्हें समझा करके उनकी भावना में परिवर्तन लाएं, ये हमारा काम है। पर पहले उनकी भावना का सम्मान करें। छोटे छोटे बच्चे बाहर से कंकर पत्थर चमकीले बीन के लाते हैं, कुछ सीप बीन के लाते हैं, कुछ कचरा वचरा, कुछ टुकड़े पत्थर के, वो ला करके एक जगह रखते हैं। हमें लगता है ये घर में गए को कचरा फैला है, चलो खाली करो, फेंक के और बाहर क्या रखाऊंगा। वो कचरा नहीं है बाबा, वो आपको कचरा लग रहा है, वो उनकी संपत्ति है। कल के दिन वो भी कह सकते हैं कि तिजोरी में ये का भर के रखा कचरा, वो भी बड़ा कचरा है, हमारा छोटा कचरा है, आपका बड़ा कचरा है। लेकिन आप ये देखो कि वो किस तरह चीजों को संभाल के रखना सीख रहे। सवाल ये है, भले वो अभी नहीं जानते हैं कि ये चीजें संभालने की है या नहीं है, ये तो पत्थर है, इसको क्या संभालना, पर वो संभालना सीख रहे हैं। हम उनके उस संभालने की आदत का सम्मान करें। जब छोटी सी गुड़िया लाकर के और अपनी गुड़िया की गोद में दी जाती तो पैर हिलने लगता, उसको थपकी देने लगती है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि ये पालन पोषण इसके भीतर है, ये किसी को संभाल लेगी आगे जाकर के। उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान। चलो क्या लेकर के बैठी हो तुम, उसको पढ़ो लिखो और हटा उसको, घर दो वहां पर खेल लिया बहुत हो गया, ये नहीं, ये नहीं। अभी उसकी भावनाएं उसको संभाल लेगी, तो आप उसका सम्मान करें। और फिर जब वो संभाल चुके, अच्छा अब उसको सुला तो दो गुड़िया को, सो गई वो, अब तुम थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो वो जाग जाएगी, तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। अब बताइए क्या है ये, आप बच्चे बन गए उसके साथ में, सुला तो दो जल्दी से पढ़ लो। ये चीजें ऐसी नहीं आएंगी, बहुत गौर से इन पर विचार करना पड़ेगा।